के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 16 जुलाई को गोरखनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश्वर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ महाराज के सानिध्य मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा महोत्सव। अपने शिष्यों को आशीर्वचन से नवाजेंगे गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के औद्योगिक विकास लघु सूक्ष्म उद्योग व प्रोत्साहन मंत्री सतीश महाना ने कहा, पिछली सरकारों ने किया उद्योग धंधों को बंद करने का काम, हमने किया शुरू करने का काम। 28 को लखनऊ में समिट मीट में 65,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्रीज का शुभारंभ करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गोरखपुर सदर के सांसद रवि किशन ने लोकसभा में पेश किया भोजपुरी और गोवंश को रोकने पर प्राइवेट मेंबर बिल, कहा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होगी भोजपुरी। देश के औद्योगिक विकास खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सतीश महाना की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग बंदियों की मंडलीय समीक्षा बैठक। गीडा में आवंटित खाली भूमि पर उद्योग स्थापित करने के दिए निर्देश, कहा उद्योग बंदियों की सभी समस्याओं का करें निदान, लापरवाही बरतने पर होगी कड़ी कार्रवाई। गोरखपुर पुलिस के हत्थे चढ़े 3 गांजा तस्कर, 16.5 किलोग्राम गांजा की सप्लाई करने पहुंचे थे गोरखपुर, एसपी क्राइम व सीओ कोतवाली ने किया खुलासा। चोरी के 13 मोबाइल सेट और 7,700 रुपए नकदी के साथ 2 बाला पचारी चढ़े खोराबार पुलिस के हत्थे, एसपी सीओ कैंट ने किया खुलासा। कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों में सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए एसएसपी ने बरगदवा से गोरखनाथ मंदिर तक किया रात्रि पैदल गश्त, लोगों से हेलमेट पहनने की अपील, कहा ट्रैफिक नियमों का करें पालन ताकि आपकी जिंदगी रहे सलामत। जियो टैग के बाद भी महिला को पीएम आवास का पैसा नहीं मिलने पर सर्वेयर की लापरवाही आई सामने, डूडा के परियोजना निदेशक ने सर्वेयर को तत्काल प्रभाव से पद से किया कार्यमुक्त, कहा 1 सप्ताह में मिल जाएगा महिला को पीएम आवास की धनराशि। बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट में अधिवक्ताओं की आम सभा की बैठक हुई संपन्न, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के उपाध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल ने अधिवक्ताओं से न्यायिक कार्यों को जारी रखने का किया आह्वान। व्यापारियों के हित के लिए यूपी सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड का किया गठन, व्यापारियों के उत्थान समृद्धि सुरक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की देखरेख में निरंतर कर रहा कार्य। संभावित बाढ़ को देखते हुए आपदा जैसी घटनाओं से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने किया मॉक ड्रिल, बाढ़ के मद्देनजर लोगों को किया जागरूक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 जुलाई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तारकेश्वरी सिंह ने दी जानकारी। और 16 को गुरु कृपा परिवार मनाएगा गुरु पूर्णिमा पर्व, सैकड़ों की संख्या में शिष्य करेंगे अपने गुरु का वंदन।